हाँ भाई दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं। कहाँ? माता कुंवारी के मंदिर के सामने आ चुके हैं और आप ओम का निशान देख सकते हो। LED आपको दिखाई नहीं दे रही होगी और लोगों की भीड़ देख सकते हो, छोटी छोटी ये दिखाई दे रही होगी। ये देखो भाई, वो टिकट का बुकिंग, टिकट मिली थी और टिकट होनी चाहिए थी। ये देखो आप भीड़ भाई साहब, ये है गली की भीड़ नीचे वाली की। इससे सीधा रोप में आप जा सकते हो। देखो पर्ची के लिए वो देखो बिठा रखी है भाई आर्मी वालों ने, तो 24 घंटे का नाम लिया भाई साहब। सुबह आते तो फिर भी 24 घंटे लगते, अब देखते हैं क्या रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और जय माता दी दोस्तों, पर्ची लेके देखते हैं मिलेगी या नहीं। और भीड़ देखो आप। अरे एक भाई ने बताइए अभी नंबर आया है 110 का, ये कंबल की लाइन हो सकती है और पर्ची की भी हो सकती है, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो यहाँ ऐसा माहौल है, देखो पर्ची 416 नंबर है भाई साहब। एक एक बंदे को भेजते हैं ना गुफा में, ये देख सकते हो गर्भ जोन पर्ची, कंबल पर्ची। देखते हैं चलो क्या रहता है अभी वीडियो में। तो भाई ग्रह जून पर्ची कक्ष 2 नंबर है और कंबल की लाइन आप देख सकते हो 3 नंबर, और ये है लाइन। लाइन इतनी लंबी लाइन है भाई साहब। तो गर्भगृह की पर्ची 418 नंबर आया दोस्तों। तो ये नहीं है कि कितनी देर बाद नंबर आएगा, 418 तो मिल गया भाई। 418 हाँ। तो ये नज़ारा है भाई साहब, और हम इतनी ऊपर गए थे, सबसे ऊपर वाली लाइट है ना यहाँ से। अब कंबल के लिए लड़ेंगे, देखते हैं कंबल मिलता है या नहीं। और अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ ले चलेंगे अब। तो ले भाई माता अर्धकुंवारी का मंदिर आपको दर्शन कराएंगे। ये गर्भगृह की पर्ची ले हुए हैं और इनका नंबर आ चुका है, तो ये जा रहे हैं। हमारा नंबर 418 आया है, क्या पता 36 घंटे में आया, 48 घंटे में। और माता का मंदिर ऐसा सजाया हुआ है, नवरात्रि चल रहे स्पेशल भाई, तो अभी भीड़ है। इनका नंबर आ चुका है, इनकी पर्ची लग चुकी है, क्योंकि ये लाइन देखो आप दूर तक इन्हीं की लाइन है। और ऐसा नज़ारा है भाई साहब, भगवती भवन आप देख सकते हो। तो मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल कुछ भी नहीं ले जाना भाई, अपना लॉकर में जमा करवा सकते हो। तो भीड़ ऐसी है, चलो और आपको नज़ारे दिखाता हूँ मैं घूम के। और हमारा नंबर कल आएगा, कल आ जाएगा ठीक, नहीं तो फिर हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है भाई अगले दिन। 4 बज चुके दोस्तों और 160 में रुपया आया अभी, तो हमारा 418 बहुत मुश्किल हो सकती है, इसलिए घर जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। 160 नंबर आया बस, क्या करे, चले चाय पी के घर। तो भाई अच्छा 8 की गाड़ी है, चलो अब चलते हैं। और 4 बज चुके हैं, बोलो जय माता दी, जय माता दी। हमारी सुबह की चाय के साथ शुरुआत होगी भाई, देखो आप चाय लेके, 8 रुपये की चाय मिलती है यहाँ भोजनालय में, ये है कैंटीन, आप खाना भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा। ला भाई दोस्तों ID कार्ड जमा होते हैं भाई दर्शन करने के बाद, कटरा जाने का रास्ता, क्योंकि स्टेशन में जाने का रास्ता यही है, तो इसी से नीचे चलेंगे। और अभी श्रद्धालुओं की भाई भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो रखी है सुबह सुबह, और पालकियों में भी लेके जा रहे थे भाई सुबह सुबह। आपको फुल सुविधा है, कैसे भी जा सकते हो। श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो दोस्तों भाई स्टेशन आप देख सकते हैं ये है, और हम आ चुके हैं घर वापस जाएंगे। अब 8:30 बजे की ट्रेन है, 7:30 का टाइम हो चुका है। ये हमको श्री वैष्णो देवी ट्रेन ही है नाम से वैसे, तो ये लुधियाना होते हुए जाएगी, तो लुधियाना भी चेंज करनी है हमको एक ट्रेन, वह हिसार तक जाएगी, हिसार के बाद फिर ट्रेन चेंज करनी है। तो अभी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। और माता का मंदिर सामने है, वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको पहाड़ों में, तो वो है। और उस साइड भाई आप रेस्ट कर सकते हो आराम से यहाँ, जब तक आपकी ट्रेन नहीं आती। और ऐसा नज़ारा है अभी रेलवे स्टेशन कटरा का, श्री माता वैष्णो देवी का भाई साहब, ये है देखो आप,
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में जय माता दी।